और ये एक रागनी किस समय की के पुराने कविया ने अलग अलग जगह की अलग अलग बात बनाई अलग अलग मौके और यो लक्ष्मीचंद का मौका आपके सामने पेश है कि जिस वक्त वो फूल सिंह उस मालन के बाग के केवाड़ गेट फाटक खुड़काता है मालन आई नु बोली रे परदेसी अक हाँ मालन भाई के बात से किसा केवाड़न तोड़न लाग रहा है अक मालन तेरे बाग में डटना है अक भाई चोर जार लुच्चे डाकू का भेद पटन का ना अरे जो सबाग जनाना अरे काम मर्द जटन का ना काट का गोद मत पान सा था सरफी और उस मालन के हाथ पर दर्दी ने बोले ल्या तेरी मुठी गरम करूं री नु बोली भाई के ले रहा यो अक मालन रिश्वत इबिया बुढ़े नु का दे है भाई फलाना मंत्री उड़ा रिश्वत ले गया दखड़ा उड़ा ले गया भाई रिश्वत अच्छी बीमारी चली तो लोगो यह रिश्वत आज की बीमारी कोना इस रिश्वत ने लक्ष्मी बामन बिगा गया ये कहता कि मालने जो तेरा मौका है मौका चूक जा कुछ ना मानस होता फिर पाछा धोखा लागत रहे किसा मौका था लक्ष्मी बामन का क्या बता बोला बोलारी नगदा नगदी दाम ये धोखा हो से नगदा नगदी दाम के धोखा हो सैरी रोज काम ना बना करे कोई मौका हो सैरी लगता लगती मामे के धोखा हो सैरी रोज काम ना बना करे कोई मौका हो सैरी लगता लगती मामे के धोखा हो सैरी अग्रे भाई परदेसी इस रिश्वत न ले भी लू पर डर लग गए भाई के बेरा किसी अनजान पाट जा और नो टंकी अनजान पाट गई तो मेरे सर ने कटवा देगी न तो भाई नौकरी करने का तो खाता है नहीं नु बोले मालने खान खंड रहे जुन सा समय लेकर जाना है वो है नु क्यों करे कैसे क्या बताया सबकत जा जुन सबकत जा जुन सबकत जा दी तो वो है चोखा वो सैरी रोज काम ना बना करे कोई मौका वो सैरी सवार का धोखा आया नु बोला मालन देखिए तेरा बगीचा का नहीं नु बोली भाई लहर आवे है अग जो तुलता चाल पे रियो अग भाईयो भी लहर आवे है मालन क्यों लहर आवे है
हक भाई बाल चल रहे जा तले रहा बोला मालने बाल तो थोड़ी बहुत सारिया लड़कियां जाकर आए जाकर यो भी तो मौका हो है यो लहरान का भी मौका हो है कौन सा मौका नहीं बोला मैं बताऊंगा तुम्हें कौन से मौके हो गरवा कछवा हेरी हेरी गरवा कछवा हेरी हेरी गरवा कछवा बाल में को जोका वसरी रोज कामना पड़ा करे कोई मुक्का वसरी बालक दी कामा में के रोज कामना पड़ा करे कोई मुक्का वसरी मालन जब मैंने बाघ में डांट लेगी तो तेरा कोई शान नहीं है मेरे ऊपर नू बोली रे एक तो बाघ में डांटू और फिर शान भी नहीं नू बोला कती नहीं क्यों जो जड़दास है वो किसी का और का नहीं खा के आता बाघ का रोड़ा हा जड़दाना पानी लख रखा होगा उड़े मनस ने चोंच मारनी है मारनी पड़ेगी दाना पानी के बारे में पंडित जी ने नंबर तीन पे क्या लिखा बता कंपनी की तरफ से जी हाँ सुपरलाइन कैसेट कंपनी की तरफ से यह प्रोग्राम पेश किया गया जो आपकी अपनी कंपनी है इसके गायक आपके अपने भाई आजाद सिंह खंडा खेड़ी वाले वे साथी और नंबर चार पे उस पंडित जी ने ये लोग न्यू याद ना करते वो बात तो इसी कह गया जो सारे बड़े रा लाग गए न्यू याद करें कुछ न वो बोलने से ला गया चौथे नंबर पे किस तरह से कवि की कल्पना क्या कहती बोला श्री लक्ष्मी लक्ष्मी चंदे छंदे से भरी लक्ष्मी चंदे छंदे इसे भरी
पर लह पारी हरी हरी पर लह पारी हरी हरी पर लह पार उतर गया सत की लोका ओ सैरी रोज का मना बना